हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शैल इंटरनेशनल। फ्रेंड्स, ये डेल का 18.5 इंच का एलईडी मॉनिटर है। आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो एक्चुअली इसका मॉडल नंबर है, आपको मैं दिखा दूंगा, दिख रहा हूँ E192HC। ये देखिए E192HC 18.5 इंच का डेल का एलईडी मॉनिटर है। तो मैं आपको चेक कराता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है और उसको रिपेयर करेंगे। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए मेरे साथ। ये देखिए, इसमें वाइट स्क्रीन आ रहा है पावर लगाते ही। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये देखिए अब हेजी हो रहा है। ये देखिए स्टार्टिंग में वाइट आता है, फिर हेजी होके ये हल्का हल्का डिस्प्ले बन रहा है। देखिए पूरा एब नॉर्मल आ रहा है। ये देखिए, तो हम इसको रिपेयर करेंगे। ये देखिए ब्लैंक हो रहा है धीरे धीरे, और ये यहाँ पे हल्का सा ब्लू कलर भी आ रहा है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे। चलिए इसको देखते हैं कल के प्रॉब्लम क्या है। वैसे इसमें जहाँ तक लग रहा है कि स्क्रीन ही ख़राब है, पैनल की प्रॉब्लम है। तो खोल के एक बार चेक करेंगे एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है, फिर उसको हम रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी वीडियो मैं डालता रहता हूँ, जिसे अगर आप नए हैं या इस टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो देख के आप सॉल्व कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर डेल में आ भी रहा है, डेल के मॉनिटर में। तो इसमें अभी देखेंगे हम पैनल कौन सा लगा है, तो फिर उसको रिपेयर करेंगे। और अगर वीडियो पूरा देखिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये हमने सारे स्क्रू खोल लिए हैं, तो अब हम इसको ओपन करेंगे। देखिए मॉनिटर ओपन करने के लिए एलसीडी सबसे पहले बेजल ही निकालने की कोशिश करिए, कि बिना इसको डाइवर वगैरह डाले, क्योंकि कई बार होता है कि टूट जाता है पैनल। तो बैक कवर निकाल लीजिए। देखिए ओपन हो गया मॉनिटर। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं पैनल को। देखिए, देखते हैं पैनल कौन सा लगा है इसमें। देखिए बीओई का पैनल लगा हुआ है। ये लग भी रहा था कि बीओई, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम बीओई में ज़्यादा आ रही है। और बीओई का पैनल है जिसका मॉडल नंबर HT15185WX1-300। तो ये पैनल है, तो अभी हम देखते हैं इसमें इशू कहाँ पे आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है और उसको रिजॉल्व किया जाएगा। स्केलर बोर्ड के ऊपर एक कवर लगा होता है, कोटिंग वगैरह ना या मॉइस्चर वगैरह ना आए, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। हमारा स्केलर बोर्ड ओपन हो गया है। ये DC to DC IC है, जो अब इसमें इशू आ रहा है इसी से रिलेटेड है। तो हमें कंफर्म करने के लिए, ये देखिए DC to DC IC, अब हमें कंफर्म करने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो इसकी वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। चलिए एक बार पावर लगा देते हैं। अब वोल्टेज चेक कर लेंगे। सबसे पहले BCC चेक कर लीजिए, 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए ये है, आ रहा है, मीटर पे आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद
इससे BGL, BGS, AVDD यहाँ से आउट होता है, तो उसको हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे पॉइंट बने होते हैं जहाँ पे वोल्टेज होती है, मैं आपको दिखा दूँ अगर देख पाएंगे तो। ये देखिए ये पॉइंट बने होते हैं, ये देखिए ये दिख रहा है, ऐसे पॉइंट बने होते हैं जहाँ पे BGH, BGL ये सारी वोल्टेज आती है, AVDD। तो हम एक बार चेक कर लेंगे सारी वोल्टेज हमें प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये देखिए ये है BGL, -7 वोल्ट आ रहा है। और BGL को कई नाम से आप इसमें बी ऑफ लिखा हुआ है, तो ये BGL ही है, बी ऑफ, BGL, ये दोनों नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम ये BGH चेक कर लेंगे। ये मैंने 20 के रेंज पे सेलेक्ट किया था तो, लेकिन उससे ज़्यादा आता है, 25 के अप्रोक्स आता है। ये देखिए 27 आ रहा है, ये भी सही है। अब AVDD देखिए 12 वोल्ट आ रहा है, ये भी सही है। BCOM चेक कर लेते हैं, ये देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, ये भी परफेक्ट आ रहा है। तो ये देखिए सारी वोल्टेज हमें 3.3 भी सही आ रहा है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अब ये देखना है हमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। अभी भी देखिए डिस्प्ले कैसा आ रहा है, ये देखिए इस टाइप का आ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा कार्ड भी ठीक है, स्केलर बोर्ड ए IC भी ठीक है, क्योंकि सारे वोल्टेज हमें प्रॉपर मिल रहा है। अब हमें जो काम करना पड़ेगा वो साइड कॉफ पर चेक करना पड़ेगा। ये साइड कॉफ पर चेक करके वोल्टेज, तब हमें पता चलेगा कि साइड कॉफ पर वोल्टेज आ रही है नहीं आ रहा है। तो हमें पैनल खोलना पड़ेगा, तो ये बोर्ड निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद पैनल खोलते हैं। अभी देखिए पैनल है हमारा BOE का, अब इसको हम ओपन करेंगे, उसके बाद साइड कॉफ होगा उस पर वोल्टेज चेक करेंगे, फिर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे पैनल कहाँ पे इशू है। अभी तो ये स्केलर बोर्ड पे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे वोल्टेज बन रही है। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए मेरे साथ, स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो फिर मिस हो जाएगा, तो फिर आप ठीक नहीं कर पाएंगे इस टाइप की प्रॉब्लम। तो कंटिन्यू देखिए पूरा वीडियो और डेफिनेटली आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए जब भी पैनल खोलें तो एकदम आराम से खोलें, कहीं ज़्यादा प्रेस मत करें क्योंकि ग्लास टूट जाता है। तो ये देखिए लॉक है, ये हल्का सा लॉक आगे पुश करेंगे तो निकल जाएगा। पैनल का बेजल है, निकल गया। अब दिखाते हैं आपको, ये देखिए एक कॉफ है, साइड कॉफ है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम फर्स्ट पर ही चेक करेंगे कि फर्स्ट पर भी हमारा BGH, BGL और सारे वोल्टेज मिलेंगे, तो हमें मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है ट्रैक में, तो उसको हम बाईपास करेंगे। नहीं दिख पा रहा है तो मैं स्नैप फोटो डाल दूँगा आपका, इसका पूरा डाटा। ये देखिए अब दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये पॉइंट है, इस पर हमें स्क्रैच करके हमें किसी शार्प नाइफ से या सर्जिकल ब्लेड वगैरह से, ये देखिए, तो इस पर हमें वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। अब कहाँ पे कौन सी वोल्टेज आएगी, अब ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको डाटा शीट डाउनलोड करना पड़ेगा। एक कॉफ का इस पर नंबर होता है, वो दिख नहीं पाएगा, मैं आपको बता देता हूँ लेंस देख के कि क्या नंबर है। ये है 8651G और CY08,
चलिए पहले आपको बताते हैं स्क्रैच कैसे करना है। तो ये देखिए अब थोड़ा दिख रहा है, अभी हमारा कॉप है, इसका मैंने डाटा निकाल लिया है। तो ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट हमारा BGH का है, तो इस पे सबसे पहले हम BGH ही चेक करेंगे। BGH आ रहा है कि नहीं, ये देखिए सर्जिकल ब्लेड है, इससे ज़रा सा स्क्रैच करेंगे, बस हमें चेक करने लगे ट्रैक दिखने लगे, और बहुत आराम से इसको करना है। एक तो ये फटे ना कॉफ, तो हम पावर लगा के एक बार वोल्टेज चेक करते हैं इस पर, हमें BGH और BGL सब आ रहा है कि नहीं। देखिए मीटर पे देखिए आपको ये BGH है, ये देखिए BGH देखिए 27 आ रहा है। अब हम कॉफ पे चेक करते हैं BGH, ये देखिए -4 आ रहा है। तो चलिए इसको हम अभी निकाल के फिर से एक बार चेक करते हैं, इसको जंपर लगा के। अब बैकलाइट पे हमें लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको दिख पाएगा। तो हमने बैकलाइट लगा दिया है, इसके ऊपर से पैनल रख दिया है, तो डिस्प्ले तो उल्टा दिखेगा बट हमें पता चल जाएगा कि कंडीशन क्या है। तो एक बार अभी आपको मैं पावर लगा के दिखा देता हूँ कैसा आ रहा है। ये देखिए अभी वाइट ही आ रहा है, अभी थोड़ा सा जब दोबारा ऑन होगा तो ये चेंज होगा। ये देखिए अभी हेजी होने लगा है, अभी यहाँ थोड़ा सा डिस्प्ले बन के आएगा, ये लाइनिंग सा। तो चलिए अब आपको मैं यहाँ से बाईपास करके BGH बाईपास करके आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। ये देखिए ये है BGH का पॉइंट जो साइड कॉफ में है, और यहाँ पर ये है BGH का पॉइंट, यहाँ पर तो लिखा होगा बट यहाँ पर लिखा नहीं होगा, इसके लिए आपको डाटा शीट डाउनलोड करना पड़ेगा। फिलहाल इसका तो मैं दे दूंगा, जैसे और कोई आता है कोई अलग कॉफ रहता है या उसका नंबर अलग रहता है तो आपको उसके लिए डाटा शीट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको जंपर लगा के दिखाता हूँ बाईपास करके। ये देखिए यहाँ पर जंपर लगाइए, जंपर वायर ले लीजिए आपको इजीली मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया है, अब एक कनेक्शन इधर कर दूंगा BGH में। तो ये देखिए अगर आपको दिख रहा होगा, चलिए मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, अगर दिख जाए चलिए मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की अगर दिख जाए तो ये मिडल वाला पॉइंट है, और फिर यहाँ से एक जंपर, ये देखिए BGH लिखा हुआ है, यहाँ पे लगाया हुआ है। तो अब आप डिस्प्ले ऑन करके एक बार चेक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जंपर लगा लिया, अभी आपको दिखाया है, और उसके बाद अब हम ऑन करके देखते हैं कि किस कंडीशन में है पैनल हमारा, ओके होता है कि नहीं। ये हमने ऑन कर दिया है, ये देखिए हमारा पैनल ओके हो गया है, ये देखिए। एकदम बढ़िया डिस्प्ले आ रहा है, तो इसमें BGH की प्रॉब्लम थी, हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। तो आपको अगर इस टाइप का पैनल मिले BOE का, तो आप इसमें BGH की प्रॉब्लम थी, अगर आपको इस टाइप का पैनल मिले जिसमें साइड कॉप पे BGH या BGL जो भी नहीं आ रहा, तो आप बाईपास करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, और लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, क्योंकि और भी लोग ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे और इसका फ़ायदा उठा सकते हों। तो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो जो भी डालूँगा आप उसको ज़रूर देखें, कुछ इसी तरह का अच्छा फॉल्ट लेके आऊँगा आपके लिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।